हम आपको ये डिस्कस करेंगे एक मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो ये डिसाइड करता है कि आप मैथ किस लेवल तक पढ़ पाएंगे। अगर इसको आपको ये चैप्टर आया तो आप ये मान के चलिए कि आप फ्यूचर में मैथ में इंटरेस्ट रखेंगे, और अगर ये चैप्टर नहीं आया तो आप फ्यूचर में क्या होगा कि आपका क्रेज धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अलजेब्रा बेस्ड इस चैप्टर का नाम है, यानी सिंपल इक्वेशंस। अलजेब्रा जो होता है उसमें ये इन्वॉल्व, अलजेब्रा इसमें इन्वॉल्व है। अलजेब्रा का क्या मतलब है बच्चों? कि एक ऐसा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट भी एक्चुअली में नहीं होता है, क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट भी मान लो कि जिसमें वेरिएबल होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का साइन हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही ये सिंपल इक्वेशन जो लिखा हुआ है ये क्या होता है कि एन स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, विच कंटेन्स द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ द मैथमेटिक्स। वो फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं कि प्लस का साइन हो सकता है इसमें, माइनस का साइन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन होगा, और सबसे बड़ी बात कि ये जरूर होगा, ठीक है। और कोई साइन हो या ना हो, जैसे मैंने सपोज करो कि एक्स इज इक्वल टू टू लिख लिया, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? टू के इक्वल है, तो ये वाला साइन जरूर होगा व्हेनेवर वी लर्न द सिंपल इक्वेशंस। मतलब सिंपल इक्वेशंस फिर आगे चल के लीनियर इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वैरायटी ऑफ इक्वेशंस होंगी। तो इक्वेशन हमने क्या बताया कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, क्या है ये कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। तो इसी पे हमने क्या करना है कि फोकस करना है। मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल लिखा मैंने कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी में क्या बता रहा हूँ मैं कि ये सारे साइन आते हैं। तो सपोज कर लो कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये एक रेक्टेंगल बनाया कि लेंथ जो है वो ब्रेथ की कितनी है? टू टाइम्स है। तो मान लो कि ब्रेथ एक्स है तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? टू एक्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आगे की तरफ अगर हम जाएंगे तो हम बताएंगे कि पेरीमीटर क्या है, वॉट एवर एल्स जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग, तो हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन सेशन है इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इस पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, ठीक। मान लो कि हमारी जैसे बुक है इस पे इससे लिख लेते हैं ताकि आपको, इसने कहा द सम ऑफ नंबर्स एंड नंबर्स एक्स एंड फोर इज नाइन। ये क्वेश्चन लिखा कि द सम ऑफ द नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स नहीं होगा बच्चे, नंबर होगा, द सम ऑफ नंबर एक्स एंड फोर, ये एक्स लिखा एंड फोर इज नाइन, ये एक लिखा भी हम बताएंगे आपको, टेन टाइम्स ऑफ ए इज 70, टेन टाइम्स ऑफ ए इज 70, ठीक है। एक दो ऐसे लिख लेते हैं, इसे हमने सिर्फ थोड़ा सा समझना है, फोकस करना है। द सम ऑफ ए नंबर एक्स, यानी एक नंबर एक्स दे रखा है उसमें क्या कह रहा है कि चार अगर ऐड कर दोगे तो फोर ऐड कर दिया, किसके बराबर आ जाएगा? नाइन के ये इक्वल हो जाएगा। ये क्लास सेवेंथ में दे रखा, अदरवाइज ये क्लास सिक्स में भी दे रखा है। टेन टाइम्स ऑफ ए इज 70, तो ए का टेन टाइम्स मतलब, टेन टाइम्स का क्या मतलब कि टेन से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, टेन टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 70। तो ऐसे बच्चों क्या होगा कि ऐसे स्टेटमेंट होंगे, ये स्टेटमेंट थोड़े से क्या होते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं और आगे की क्लासेस में, यहाँ पे थोड़े सिंपल से सीधे से इसी क्लास में क्या होगा जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें ये स्टेटमेंट थोड़े से क्या बन जाएंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो इसको ये अब ये इक्वेशन बन गई, ये क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी हो गई। अब आप देखो इसमें प्लस का साइन आया, इक्वल का साइन आया, इसमें मल्टीप्लीकेशन का साइन आया, इक्वल का साइन आया,
हो सकता है कि ये कहता है कि 10 टाइम्स ऑफ a में से या 10 माइनस कर दें और फिर 60 के बराबर आ जाए, है ना। तो वो एक दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे क्या होगा कि सपोज हमने कहा कि एक नंबर को 10 से डिवाइड करने पे कितना आ जाता है, 7 के इक्वल आ जाता है, देन फाइंड द नंबर। तो इस टाइप से क्या होगा कि स्टेटमेंट होगा जिसको कि हमने इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मेन हमारा कंसेप्ट यहाँ पर होगा। मतलब एक तो हम स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी से क्या होगा कि इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये बात हमने देखनी है। तो इस वीडियो को पॉज करें और ये इसको लिख लें और फिर आगे की तरफ हम चलते हैं। तो जैसा हमारी बुक में है, हमारा थोड़ा सा फोकस वहीं पर रहेगा, क्योंकि वैसे में बहुत डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए हमें इसमें बहुत डिटेल में जाना चाहिए। लेकिन हम हर एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत रिवीजन कराने कोशिश करेंगे। इसने कहा कि चेक वेदर द, जैसे ये लिखा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द ट्रायल एंड द एरर मेथड। तो ट्रायल और एरर मेथड नहीं अब इन्वॉल्वमेंट होगा उसका, क्योंकि वो क्लास 6 में था। हम आपको मेथड बताएंगे जिससे कि ये सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। और इक्वेशन इसको हम क्यों कह रहे हैं, एक बार फिर से जानो कि जैसे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स हुआ करते हैं, और ज़्यादातर वेरिएबल्स को क्या करते हैं कि हम स्मॉल लेटर से डिनोट किया करते हैं, ठीक है। तो ये पी क्या है, एक वेरिएबल है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, कोफिशियंट्स है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें तो ax + b इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं कि ये वेरिएबल है, अननोन क्वांटिटी है, जिसको सपोज किया गया, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये क्या है कि कोफिशियंट है, ठीक है, और ये हमारा क्या है कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब हम बच्चे, जैसे इसने कहा हिटन ट्रायल मेथड, तो हिटन ट्रायल मेथड में क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल हैं वेरिएबल की तरफ आ जाएंगे, और जैसे इसको अगर हम सबसे पहले ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस 2 को हटाएंगे, ये 2 हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ -2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कर देते हैं कि 5p और प्लस का 2 माइनस का 2 अगर इक्वल आप सबट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन वही बनी रहती है। अब ये क्या बन गया, 5p 2 में से 2 गया 0 हो गया, और 17 में से 2 गया कितना बन गया, 15 बच गया। अब मुझे p की वैल्यू चाहिए, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 5p/5 इज इक्वल टू 15p/5। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 5 3 जा हो गया, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 के बराबर हो गया। तो अब ये ऐसा हिटन ट्रायल मेथड, ये एक बहुत बड़ा सा मेथड है, इसको हम क्या करें कि अल्टरनेटिव मेथड से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5p+2 इज इक्वल टू 17 लिखा, जितने भी वेरिएबल वाले हैं वो सारे एक तरफ कर दो और बिना वेरिएबल वाले एक तरफ कर दो। तो इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, जब दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस यानी साइन चेंज कर दूंगा। तो ये आ गया माइनस का 2, तो ये आ गया 5p/17 - 2 कितना हो गया, 15 हो गया। अब जो बच्चे इसके कोफिशियंट में आता है वेरिएबल के, उससे हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन गया हमारा, p इज इक्वल टू 3 के बराबर आ गया। तो देखो यहाँ पर भी 3 था और यहाँ पर भी 3 था। तो अब ये एक छोटी सी इक्वेशन है, ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगी कि बड़ी इक्वेशंस होती चली जाएंगी। तो हम आपको कुछ सिंप्लीफाई कराएंगे, ऐसा नहीं कि, तो देखते हैं आगे। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में ही लिखा हुआ है कि लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स द लक्ष्मीज एज, टेक द लक्ष्मीज एज टू बी बाई ईयर्स। तो इन्होंने हमें बता दिया क्वेश्चन में कि लक्ष्मी की एज को आप बाई ईयर मान लो, तो मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसको बताते हैं कि कैसे करेंगे।
हम वैसे एज वाला बच्चों जब भी क्वेश्चन होता है ना तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज। तो हमने यहाँ पे क्या माना कि लेट इसने कहा कि लेट एज ऑफ लक्ष्मी इज इक्वल टू क्या दे रखा है कि टेक द लक्ष्मीज एज टू बी 22 ईयर्स। तो हमने 22 ईयर्स ले लिया इस लक्ष्मी की एज को। अभी हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स एज ऑफ द लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की एज के तो क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लक्ष्मी की एज 22 है और वो 4 ईयर ओल्डर भी है, किससे ओल्डर है, 3 टाइम्स से। तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 3 बाई हो गया और 4 इसमें प्लस कर दिए, तब ये एज किसके बराबर बन जाएगी, लक्ष्मी के फादर की एज के बराबर बन जाएगी। ठीक है, अब लक्ष्मी की एज हमें फाइंड आउट करने, इसने तो हमसे इतनी ही बात पूछी, लेकिन इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं कि सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 3 बाई इज इक्वल टू, ये प्लस का है ना, इक्वल के इधर ले आए, 49 माइनस 4, तो 3 बाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 45 हो गया। तो 22 इज इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 15 ईयर। तो ये 15 ईयर एज हो गई किसकी, लक्ष्मी की प्रेजेंट एज हो गई, या लक्ष्मी की जो भी एज ये मांग रहा था वो एज हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से अब ये तो बच्चे थी पहली वाली एक्सरसाइज में इस टाइप का दे रखा था। तो धीरे धीरे क्या है कि इसमें क्वेश्चन आगे की तरफ जब हम जाएंगे, मान लो कि एक दूसरी वाली एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराते हैं 4.2, तो बर्ड प्रॉब्लम भी होगी। अब मान लो कि क्वेश्चन हमने लिखा कि क्या लिख दें कि 3n-2 इज इक्वल टू 46। आपको बताया था कि जो वेरिएबल वाले एक तरफ लाएंगे, तो ये एन के साथ में वेरिएबल है, ये यही बना रहा, इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो इसको ट्रांसपोज कर दो, तो प्लस का ये 2 हो गया, तो 3n आ गया, 46 + 2 कितना हो गया, 48। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये कितना बन गया, 16। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। बच्चों चेक भी किया जा सकता है, ये अगर ये 16 आप यहाँ पर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 46 के बराबर आएगा, तो हम इसको क्या मान लेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसमें एक LHS होता है, बहुत सारी बातें होती हैं जिनको कि धीरे धीरे बताना चाहिए, लेकिन चूंकि रिवीजन सेशन है इसलिए सब बातों को एक साथ नहीं बताया जा सकता। मान लो कि ये क्वेश्चन यहाँ मैंने और लिख दिया कि 3p/4 इज इक्वल टू 6, तो डिनोमिनेटर वाले को क्या करोगे, आप इससे क्रॉस कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 4 × 6, और ये इसके कोफिशियंट में है तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 4 × 6/3 ये कैंसिल हो गया, तो 4 × 2 = 8, यहाँ पर क्या हो गया, पी की वैल्यू हो गई। ठीक है ना, तो ये कुछ सिंपल सी इक्वेशंस थी जिनको कि हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड जो होंगी हमारी वो आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि तो इसको हम मान लेते हैं कि वीडियो नंबर 1 मान लेते हैं। तो अगर ये आपको समझ में आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने भी इसको जो समझ में आया वो कमेंट जरूर किया करें कि सर ये बात हमें समझ में आई, ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं आपको रिपीट करूंगा, फिर से बताऊंगा। ओके, वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।